जिसकी बट वो ग्रेनेड चलते देखे जली स्पॉट किया, एक डीवीएस का फटका पड़ता दिखा था, बट सामने से S12 के चली जली के द्वारा डाउन किया। ट्राई आउट उस पर इतना चाहेंगे जरूर से, बट खिलाड़ी बहुत ज्यादा जिगल करते हैं अपने उस व्हीकल को लेके। सब अपन की कोशिश रहेगी अभी भी, और जॉनथन की एचपी कम थी बट उनको भी हील करने का मौका मिला। अलीबाबा रीडर्स वो आपको बोलते जो तब से सोलो सर्वाइव करते आता है सोलो गोल्ड के बीच में, क्या ये प्लेयर पिस्ता दिखेगा, ये अब एक सवाल बनता है। 8 खिलाड़ी बचे हुए हैं, 3 टीम्स बची हुई हैं, टीम गॉडलाइक सरवाइव करती हुई, टीम सरवाइव करती हुई, और तीसरी टीम है ऑटोबॉट्स। ऑटोबॉट्स के रिको अभी तक सरवाइव कर रहे हैं, और आई थिंक मान्या की पोजीशन का पता चल चुका है। जेली का ग्रेनेड आईजीएल द्वारा आईजीएल को डाउन किया गया, और अभी मान्या का रिवाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में रिको का सर्वाइवल गेम, सरदार जी तारीफ करनी पड़ेगी रिको के सर्वाइवल गेम की, बट मुझे लगता है जॉनाथन को अंदाजा आ चुका है, चलिए पता चल चुका है रिको की पोजीशन का, स्प्रे कर सकते हैं और ग्रेनेड से काफी डैमेज जरूर दिया। यहाँ डैमेज तो काफी तगड़ा था, लेकिन अब यहां से सफर जो है वो आपको आगे बढ़ता दिखेगा रिको के द्वारा। यहाँ पे कुछ कनेक्शन ढूंढने की कोशिश थी बट उनको भी समाप्त किया। टीम गॉडलाइक आर दे गोइंग टू गेट दिस चेकंड ना, बिकॉज इंडिया की 2 फैन फेवरेट टीम्स आपको आपस में बढ़ती दिख रही है, दैट मींस कि यहां पर अब चीजें कहीं से भी कहीं जा सकती है। एंड गाइस चैट पे आप अपना सपोर्ट बताते रहिए, और बताइए आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फाइट के अंदर। कुछ ग्रेनेड चल दिखेंगे जरूर, लेकिन जेली एसआर को भी करके डाउन, रॉनी इज द लास्ट गाइस फॉर द टीम।